Hello, my dear students. Once again, you are Aradhna ma'am. Welcomes you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And today's our topic is from 11th standard Political Science Executive. Before I start the topic, I want to ask you few questions, beta. Is there any management, you can say, authority in your school? Which run the school and send the order, pass the orders? Is there any management or officials in any restaurant, hotel, big organization? क्या आपने देखा है कि managing committee है, big officials हैं, जो सारे orders send करते हैं, भेजते हैं, pass करते हैं, rules, regulation, या किस तरह से पूरी organization काम करेगी, ये policies frame करते हैं? How the organization, institution will work and run. They frame the policies, programs and get it implement through their staff and staff members. How they implement each other. Have you ever noticed? कि आपने कभी notice किया? That is what executive. जो भी high level के authorities हैं, officials हैं, management हैं, ऑफिस में बैठे जो लोग हैं, वो अपनी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, होटल को, रेस्टोरेंट, जो भी लगा लो, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स हैं या कुछ भी है, वो बैठे ऐसे नहीं हैं, वो पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन को, एसोसिएशन को, अपना जो भी है उनका, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, वेदर दोज आर इंडस्ट्री लो लेवल हाई लेवल जैसी भी है, वो सारे के सारे प्रॉपरली चले, सक्सेसफुली रन करें, प्रॉफिट गेन करें, किस तरह से ये सारी पॉलिसी प्रोग्राम्स फ्रेम करते हैं बैठ के हाई ऑफिशियल्स, जिनको पूरी नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, दे आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. सिमिलरली टू रन द कंट्री, एनी कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया बट अबाउट द ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हर कंट्री में एग्जीक्यूटिव है. एग्जीक्यूटिव में खाली ये नहीं है मैं बोल दू प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है. एग्जीक्यूटिव लॉन्ग चेन है, स्टेट्स में भी एंड सेंटर में भी. इसमें ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, IAS के होते हैं ना, सिविल सर्विसेज के एग्जाम, हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट पर्सन जो टॉप करके आते हैं, वो सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. क्योंकि मिनिस्टर्स तो दिखावे गई हैं, बस रियलिटी में पॉलिसी प्रोग्राम्स तो आपको पता है वही फ्रेम करते हैं. दिमाग तो असली में उनका है. इंडिया में तो आपको पता ही है पॉलिटिशियन हाउ मच दे आर एजुकेटेड. लेट्स, आई डोंट वांट टू डिस्कस द पॉलिटिक्स हियर. लेट्स मूव टू द एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव है क्या? एग्जीक्यूटिव वही है जो आप यहाँ पे कह लो हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे हमारे पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं फैमिली के लिए. सिमिलरली कंट्री के भी कैसे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी प्रोग्राम्स जो भी है, कैसे बनाने हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनको मनवाना है, ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव ही करती है. और इसमें हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट. आई एम हियर quoting the example of India, taking the example of India, President, Prime Minister, Minister and bureaucrats, civil servants also. These are the executive. Now we are talking about the different types of executive in the world. अब बाहर world के country में system अलग अलग है, अलग अलग system है. हमारे neighboring country ही देख लो, ठीक है, कैसे एक में प्रेसिडेंशियल है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हमारे में पार्लियामेंट्री और प्योर डेमोक्रेसी है. सो इंडिया में तो इतने, सॉरी, वर्ल्ड में तो इतने कंट्री हैं और अलग अलग तरह के सिस्टम है. कौन है हेड और कौन है रियल पावरफुल पर्सन और कौन नहीं है, लेट्स डिस्कस दिस वन. ओके, सो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द अमेरिका में. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल रूल. नंबर वन, पावरफुल कंट्री, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी, मोस्ट पावरफुल पर्सन. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है,
है ये भी डेमोक्रेसी बेटा, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, वन ऑफ द ओके डेमोक्रेटिक सिस्टम यू कैन से, बट दिस इज प्रेसिडेंशियल. मेनली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर इन द वर्ल्ड, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री. इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर इन दिस ओके वीडियो ऑल्सो. सो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हियर द प्रेसिडेंट इज ऑल इन ऑल, सुप्रीम पावरफुल पर्सन, सिंगल हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है, हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, और लेजिस्लेचर के पास पावर भी नहीं डायरेक्टली उसको रिमूव करने की. सच अ पावरफुल पर्सन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज कनाडा हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया. वी इंडिया ऑल्सो हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन कैनेडा ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, बट कैनेडा में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को बनाया है नॉमिनल हेड. ओके, नॉमिनल सेरेमोनियल जिसको कह लो दिखावे गए, पावर रियलिटी में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, बस हमारी हेड ऑफ द स्टेट है, दैट्स ऑल. ये सेरेमोनियल ओके एक सेरेमनी कह लो परफॉर्म करनी है. द नेक्स्ट इज फ्रांस. फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फ्रांस एंड रशिया हैज द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख लो बेटा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है प्रेसिडेंट के पास पावर प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की, बट प्रेसिडेंट डजंट हैव द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, दैट इज लेजिस्लेचर. So they are responsible towards the legislature. That is semi-presidential system where president appoint the prime minister and other councils of minister, but president doesn't have the power to remove the prime minister and other minister directly. Legislature, okay, has the power to remove the prime minister and other councils of minister, means the prime minister and other ministers are responsible towards the legislature. Okay, then moving to the next one, Japan. Japan has also parliamentary system, but Japan ki parliamentary system mein again wahan pe head of the state hai monarchy, king, queen, raja. Chahe wo nominal hai, real power is not in the hands of the monarchy, राजा के पास नहीं है, बट हेड उसको बनाया हुआ है, चाहे सेरेमोनियल है दिखावे का, पहले राजा का रूल था, उसको रिमूव नहीं करना चाहते, चाहे सेरेमोनियल से ही उसको रिस्पेक्ट रखी हुई है, हेड बनाया हुआ. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भी है, बट ये मोनार्किकल टाइप है. हाउ दिस आई विल डिस्कस, ओके, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज इटली एंड इंडिया. इटली और इंडिया में सेम है पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, इंडिया में भी हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. प्रेसिडेंट जो है ये कोई हेरेडिटरी नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है, कोई सर इलेक्टेड अ पर्सन, बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. इनडायरेक्टली कैसे, आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड impeachment of president. I will give you the link of that video in the description box. You have to watch that. Okay? The question may come, how Indian president is elected? Mainly, definitely. So I will give you the link. Okay? So India or Italy mein jo hai wo democratic republic, प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है, बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एंड रियल हेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर. ओके, इंडिया इटली में. देन आई मूविंग टू द जर्मनी. जर्मनी हैज ऑल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहते हैं, ये फर्क है, ध्यान रखना. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, सेम एज इन इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि जर्मनी में, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चांसलर, नॉट प्राइम मिनिस्टर. ये याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ही है, बट उन्होंने
ट्विस्ट नेम उनको पसंद नहीं है जी, ये सोच लेना। जर्मनी वालों को प्राइम मिनिस्टर नेम नहीं पसंद है, वो कुछ डिफरेंट नेम चाहते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना कि अपने बेबी का यूनिक सा नेम रखना है, उन्होंने भी यूनिक सा नेम, ये सोच लो, याद रहेगा, चांसलर है, ठीक है। रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ चांसलर, जर्मनी के चांसलर के पास है। अब हमने ये सिस्टम्स तो डिस्कस कर लिए जी, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री। रियल फीचर अब कौन कौन से है, लेट्स कोट, ओके, लेट्स डिस्कस इन डिटेल सो दैट इट क्लियर टू, इट्स क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। देन हम लोगों ने मेनली आई हैव रिटन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, मेनली क्योंकि यही है, और कुछ एक में है सेमी प्रेसिडेंशियल, उसमें खास डिफरेंस नहीं है। प्रेसिडेंशियल में एज वी हैव डिस्कस, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट, ऑल इन ऑल पावरफुल। हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है, कौन है, प्रेसिडेंट। इसलिए सिस्टम का नाम क्या है, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट के नाम से ही प्रेसिडेंशियल, याद रखना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट आप ये ना ले लेना बेटा कि एक ही स्टेट है, मीन्स होल कंट्री। पॉलिटिकल साइंस में पूरी कंट्री के लिए स्टेट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सो होल कंट्री का हेड भी प्रेसिडेंट है, और गवर्नमेंट, अपनी पूरी गवर्नमेंट का भी हेड प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब थ्योरी एंड प्रैक्टिस समझ लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया हियर। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर्स आर रिटन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, सारी की सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के नाम पे लिखी हुई है। ऐसे लगता है प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया, बट इन रियलिटी ऑल पावर्स आर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसकी सारी की सारी पावर तो एंजॉय कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, लिखी हुई है प्रेसिडेंट के नाम पे थियोरेटिकली, बट क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है ये पावर, प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करेगा इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ने ये किया, प्रेसिडेंट ने वो किया, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, लगाता तो प्राइम मिनिस्टर ही है, इनडायरेक्टली एडवाइस तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। कोई भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, नेम किसके इशू होते हैं, प्रेसिडेंट के नेम पे इशू होते हैं, बट उनको ऑल इन ऑल पीछे से कौन ऑर्डर तो नहीं कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी प्रेसिडेंट को, रखता कौन है आगे कि ये अनाउंसमेंट कर दो, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा बनाते, ठीक है। ये हो गया क्लियर। सो बट अमेरिका में थ्योरेटिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हैं ऑल इन ऑल पावरफुल जो है दैट इज प्रेसिडेंट, और प्रैक्टिकली तो है ये पावर तो यूज कर ही रहा है इन प्रैक्टिस में, क्योंकि कुछ देखा ना इंडिया में तो स्पेशली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट, ह्यूज डिफरेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी में तो बहुत कुछ लिखा होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे सरकार, प्रैक्टिकली क्या होता है। बट प्रेसिडेंशियल रूल में थ्योरेटिकली भी है द प्रेसिडेंट है, प्रैक्टिकली भी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट है, रियलिटी में भी पावरफुल प्रेसिडेंट ही है। अब ये वाला सिस्टम मोस्टली है यूएसए, ब्राजील, यूरोप में आप पता ना, और लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के ये कंट्री है मोस्ट ऑफ द, उनमें प्रेसिडेंशियल रूल ही है। प्रेसिडेंशियल रूल की एक ये है नॉट सो गुड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि प्रेसिडेंट जो है ही इज नॉट अकाउंटेबल आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। जैसे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर को जो जो क्वेश्चंस होते हैं पार्लियामेंटेरियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उनके आंसर देने पड़ते हैं, आंसरेबल है, नहीं सेटिस्फाइड है, नो कॉन्फिडेंस, मोशन पास हो जाता तो सबको रिजाइन। बट प्रेसिडेंशियल रूल में ऐसा कुछ नहीं, ही इज नॉट अकाउंटेबल या आंसरेबल, ओके बेटा। देन है सेमी प्रेसिडेंशियल रूल्स, आज ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो करने की पावर है, अपॉइंट तो करता है इलेक्ट, बट उनको रिमूव नहीं कर सकता अपनी चॉइस से, ना ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसरेबल है, ठीक है। प्रेसिडेंट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, दिस इज कॉल्ड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मूविंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम विच वी हैव इन आवर कंट्री,
इन आवर कंट्री आपने सुना होगा प्रेसिडेंट का नाम तो कम ही आता, ये ऑर्डर दिया प्रेसिडेंट ने, वो दिया, ऐसे हमेशा न्यूज में प्राइम मिनिस्टर छाए रहते हैं। क्रिटिसिज्म भी प्राइम मिनिस्टर का होता है, आंसरेबल भी प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन, हम लोग कहेंगे थ्रेटिकली प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट एंड पावरफुल, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बट प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। प्रेसिडेंट यानी कि नाम का ही हेड है। मैंने आपको बोला ना, ऑल द पावर्स आर रिटन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन रियलिटी ऑल द पावर्स आर इंजॉयड एंड एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो रियल हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर। सारी गवर्नमेंट चलाने की पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। तो रियल हेड है हमारा प्राइम मिनिस्टर। सो रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉमिनल हेड। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट, अवर प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ द नेशन एंड लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर है, जो भी पार्टी जीत गई इलेक्शन में, उसको मेजोरिटी पार्टी कहते हैं और वो अपना लीडर इलेक्ट करती हैं और उसी को वो प्राइम मिनिस्टर। इन केस एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, एक पार्टी नहीं इलेक्शन जीतती, तो चार पांच छह, आपको पता अब तो कॉलिशन गवर्नमेंट काफी देर तक रही है, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की आने से, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले। सो कितनी ही पार्टियां मिलके इकट्ठे अपना लीडर इलेक्ट कर लेती है और उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर, दैट इज कॉलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स जो है वो अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेशन, स्पेशली लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन मीन्स पार्लियामेंट, पूरा उनको आंसर देना है, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी परफॉर्म करनी है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और वो है लोकसभा। हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, ओके। मोनार्क, यहाँ पे मोनार्क मींस, मैंने बोला ना कई कंट्रीज में है, हमारे तो प्रेसिडेंट है ओके हेड ऑफ द स्टेट, बट कई कंट्रीज में हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ठीक है। हमने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है ये सिस्टम, बट वहां पे हेड ऑफ द स्टेट है किंग, क्वीन नॉमिनल हेड है, इलेक्टेड नहीं है, और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे मोनार्क हेड है, यानी कि किंग क्वीन हेड है। जैसे जापान में भी हमने डिस्कस किया ना कि वहां पे राजा है, और कनाडा में भी, ठीक है, सेरेमोनियल नाम के ही है, बट ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करने, नाम के राजा, जैसे बादशाह पुराने टाइम पे रूल करते थे, पावर वैसी कोई पावर नहीं, ठीक है, सिर्फ नाम के। देन हमारे इंडिया में है जैसे प्रेसिडेंट और बाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने किया है, इटली और हाँ इटली, इंडिया, दूसरे कनाडा में तो किंग और क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है। सो इंडिया एंड इटली मेनली हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, सेरेमोनियल मीन पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। पार्लियामेंट्री मीन्स इनको पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, जिनको हमने एमपी और एमपीएलएस को हमने इलेक्ट किया ना, आगे जाके वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसको पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। बट चाहे मोनार्की हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो या पार्लियामेंट्री रिपब्लिक हो, ये सारे सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है, नाम के ही है एग्जीक्यूटिव हेड, इनके पास पावर है। आई होप यू अंडरस्टूड टू दिस टॉपिक। आई हैव अपलोडेड द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एग्जीक्यूटिव from 11th standard political science. In this video we have come to know about the parliamentary system and presidential system, also nominal head and real head.
I have cleared. But still you have any problem, send me your problem in comment section. Eagerly waiting for that. But before leaving, once again I want to remind you, please subscribe, like and share my channel to all. That's all from your Aradhana Ma'am, beta. Okay, beta.